सभी को नमस्कार। आज इस प्लेनेट टॉक इंटरव्यू में हम लोग फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इस पर काफी दिनों से चर्चा कर ही रहे हैं और इसकी आज अगली सेशन में हमारे साथ चंद्रशेखर जी हैं। आप मूलतः सरस्वती शिशु मंदिर ताकुला अल्मोड़ा में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आपकी शिक्षा एमए डीएलएड है और आपको शिक्षा के क्षेत्र में 29 वर्ष का अनुभव है। आपका बहुत बहुत स्वागत चंद्रशेखर जी इस प्लेनेट टॉक के इंटरव्यू सीरीज में। आप सभी लोगों को जो भी अपने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं और सभी को ज्ञात ही होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी कुछ ही महीनों पहले मोदी कैबिनेट द्वारा उसका ड्राफ्ट पास किया गया है और वर्तमान में उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। चंद्रशेखर जी, इसी से जुड़ा मेरा पहला प्रश्न यह है कि जो वर्तमान शिक्षा नीति 2020 आई है जी, जो नई नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें सबसे मुख्य बिंदु, सबसे जो अच्छा जो आपको लगे कि प्रारंभिक शिक्षा में जी कौन सा बिंदु सबसे अचूक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, तो इस पर आपका क्या मत है? भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, अभी इसको इस जो यह कमीशन बना है यह करीब 34-35 सालों में बना है और इससे पूर्व भी इसमें अनेक अमेंडमेंट हुए, लेकिन इसमें जो मुख्य बात की गई कि स्किल जो है, जो कौशल है बच्चे का, अभी जो शिक्षा में कम से कम आज हमारे यहाँ पर जो शिक्षा है तकनीक शिक्षा का बहुत कम है, अभाव ही है एक हिसाब से कहा जाए, क्योंकि लड़का इंटर पास कर लेता है उसको टेस्ट ट्यूब की जानकारी नहीं होती है कि क्या है। ऐसे ही मतलब विज्ञान के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ऐसे जैसे अगर एजुकेशन पॉलिसी में जैसे कक्षा 6 से अगर यह स्किल वाला मामला अगर आता है, व्यावसायिक जो वोकेशनल है या वर्चुअल एजुकेशन का है, अगर यह उस पर लगता है तो मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा आने वाले समय में उस बच्चे के व्यावहारिक जीवन पर इसका एक असर पड़ेगा, क्योंकि बच्चा आज किताब में तो बहुत कुछ पढ़ता है लेकिन जब उसको जो धरातल का ज्ञान है वह उसको ठीक उस प्रकार नहीं हो पाता, क्योंकि शिक्षा का जो पैमाना है वह लोगों ने यह मान लिया कि एक हम ऊंची शिक्षा लेंगे और उस डिग्री के आधार पर हम अपने और फ्यूचर जॉब करेंगे, लेकिन जब वह जॉब के लाइन में जाते हैं तब उनको यह सब चीजों का ध्यान आता है कि पीछे हमने क्या छोड़ा या क्या नहीं सीखा। जी 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 सब, अभी पूर्व में कोविड महामारी का लॉकडाउन्स रहे, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, उस समय आपने बच्चों को घर से ही शिक्षा दी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, घर से मतलब विद्यालय से या अपने अपने स्थानों से, और बच्चे जिस स्थान पर हैं वहीं तक आपने टेक्नोलॉजी या जो भी एप्लीकेशंस का आपने उपयोग किया उसके माध्यम से आपने शिक्षा दी। जी। बहुत अच्छा काम भी हुआ है, आपके विद्यालयों की रिपोर्ट्स भी आई हैं। मेरा इससे जुड़ा आपसे प्रश्न यह है कि आपका अनुभव कैसा रहा टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में कोविड में, और किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? इसमें प्रारंभ में तो जब जो कुछ थोड़ा इसके अंदर इसके लिए जो अवेयरनेस जिनको जानकारी थी उन लोगों ने तो इसमें थोड़ा रुचि भी ली और उसके कमेंट्स भी किए, फोन भी किए, लेकिन अधिकांश जगह जहाँ चाहे वह फोन है या कंप्यूटर लैपटॉप जो भी जिन जिन चीजों का मीडिया उपयोग करता है वह अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध न होने के कारण या नेट कनेक्टिविटी न होने के कारण भी इसके हमारे यहाँ पर वर्तमान में अपने इस क्षेत्र में तो इसके बहुत सुंदर अच्छे परिणाम उतने नहीं आ पाए जैसा हम चाहते थे कि हमने अच्छे नोट्स भी बनाकर दिए तो बच्चों ने किए हैं,
अधिकांश बच्चों ने भी 25% ही बच्चे कर पाए, 75 बच्चे जो है उसको नहीं कर पाए। लेकिन लंबे समय में मैं देखता हूँ कि जब 30-40 दिन हो गए, 50 दिन काम देते देते हो गए, तो बच्चे भी इसको धीरे धीरे फिर अवॉइड जैसा करने लगे, छोड़ने लगे। फिर तो इसका क्या है कि जो एक दो जैसे हम देखते हैं कि अनेक अपने अपने विषय हैं, विषयों के पाठ्यक्रम हैं, तो उसमें भी क्या है कि हम बहुत कुछ जैसा देना चाहते थे, एक टीचर जैसे समझाता है बच्चों को, वैसा जी नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी हुआ, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ हुआ भी। लेकिन बहुत कुछ अधिकांश बच्चों ने कह दिया, जी हमारा तो फोन टूट गया, किसी घरों में 2 बच्चे थे तो उन्होंने लड़के फोन खींच लिया, उसने गिरा दिया, ऐसे भी छोटी छोटी समस्याएं आई। पर जी लेकिन ये कहूँ कि इसके परिणाम आए और बहुत अधिक जैसा हमको लगना चाहिए था कि आने चाहिए, तो इसके पीछे ये भी एक समस्या है जो मैंने बताया कि इन इन चीजों में समस्या रही करके, ये इसका। जी सब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इम्प्लीमेंटेशन पर चर्चा हो रही है, जी उसमें हम लोग यानी पृथ्वी कुल संस्था का एक पार्ट होने के नाते, आपको भी पता है कि विद्या भारती और अन्य उत्तराखंड में हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम कर ही रहे हैं पिछले कुछ समय से शिक्षा जी में। और अब अपनी एप्लीकेशन को, अपने सॉफ्टवेयर को बदलने के लिए हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस प्रकार से विद्यालयों में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है और टेक्नोलॉजी उसमें क्या रोल प्ले कर सकती है, उस पर काम कर रहे हैं। आपका कोविड के समय और पहले भी बहुत एक अनुभव आया होगा, क्योंकि आपको 29 वर्ष का शिक्षा का अनुभव है प्रारंभिक शिक्षा में भी। तो जी हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में, हमें किन किन मॉड्यूल्स की आपको लगता है कि विद्यालय में बहुत ज्यादा जरूरत है, इससे सच में एक बदलाव आएगा डिजिटलाइजेशन में? इसमें मुख्य रूप से भाई साहब जो जो टेक्नोलॉजी है आज ज्यादातर छोटे बच्चों के लिए ज्यादा रुचिकर है। जो छोटे क्लासेस हैं, जो बच्चे शिशु प्रथम के हैं या उससे भी छोटे हैं, 3 से 6 साल का बच्चा, 6 से 8 साल का बच्चा जितना टेक्नोलॉजी से गेन कर पाता है उतना सामान्य स्तर से नहीं कर पाता है। और आज हमें भी इस दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में, आपने भी बहुत कुछ चीजें हमको दिखाई, हमने भी उसको थोड़ा बहुत देखा, क्योंकि बहुत जो नहीं दिखा पाए, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में एकाध प्रयोग और ऐसे कुछ चीजें तो जो बच्चों द्वारा भी बहुत सराही गई कि वास्तव में ये बहुत अच्छा है। तो इस तरह के मेरा कहने का अर्थ है कि जो विद्या, जो कोर्स के संबंध में जो मूल पाठ है उसका भी सार अगर बच्चों के सामने रखा जाएगा तो बच्चा उसको बहुत अधिक न पढ़ करके भी और चित्र के माध्यम से, फिगर के माध्यम से उसको गेन कर पाएगा, जो उसके लिए एक जो ज्ञान उसके लिए स्थायी रूप से रहेगा, मतलब परमानेंट नॉलेज जिसे कह सकते हैं हम, जी वह उसके लिए एक अच्छा ज्ञान रहेगा, चाहे वो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो, यह उनके लिए एक बहुत बहुत नींव का पत्थर साबित होगा। क्योंकि बच्चा जो एक छोटी उम्र में सीख लेता है तो वह उसको कभी नहीं भूलता। तो छोटे बच्चों के लिए मेरा यह कहना है कि चित्र के माध्यम से, चाहे उनको स्पेलिंग याद करानी हो या चित्र को पहचानना हो, ऐसा अगर पृथ्वी कुल के से होता है यह प्रयास ईश्वर, क्योंकि छोटी कक्षाओं में, बड़ी कक्षाओं में बच्चे अन्य माध्यमों से भी थोड़ा सीखने के लिए रहते हैं, लेकिन छोटे में बच्चा उस पर ही एक हिसाब से डिपेंड रहता है, उस पर खुश रहता है वो, तो ऐसा मेरा मानना है। और बड़ी कक्षाओं में भी साइंस जैसा विषय अब इंग्लिश में आया है तो उसमें भी है तो अच्छा, अंतर में रुचिकर है, लेकिन जब तक बच्चा उसको समझ नहीं पाता तब तक उसके लिए प्रयोग के माध्यम से ये बहुत अच्छा रहेगा जी वैसे सर। जी तो आपने बताया कि कंटेंट का मतलब, आपको अगर कुछ एप्लीकेशन के अंदर कंटेंट मिले और खासकर और एक प्रशिक्षण हो जाए आपके जी टीचर्स के, तो एक जी अच्छा हमें रास्ता मिल जाएगा जी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने का विद्यालय में। सर आपके तीनों प्रश्नों में जो भी हमें बिंदु मिले, आपका एक अनुभव इतना अच्छा है 29 वर्ष का, तो जी उसमें जो भी बिंदु मिले, और निरंतर हम आपसे जुड़े रहेंगे, वार्ता करते रहेंगे, और आप जी पहाड़ी जी क्षेत्र में जहाँ शिक्षा का अभाव है वहां पर आप शिक्षा दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपना बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सर्विस धन्यवाद भाई दिया साहब, आपको भी इसलिए बहुत धन्यवाद, बहुत आपने हमको नमस्कार। जोड़ा, धन्यवाद, नमस्कार।